ग्रेट व्हाइट शार्क इंसानों पर अटैक करने के लिए बहुत फेमस है, जिसे समुद्र का सबसे खतरनाक जीव भी माना जाता है। कहते हैं कि एक ही बार में बड़े से बड़े जीव को अपने नुकीले दांतों से चीड़ फाड़ कर देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कई दूसरी मछलियाँ भी हैं जो शार्क से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। आज हम ऐसे ही खतरनाक मछलियों के बारे में बताएंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बगल की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश समुद्र में पाई जाने वाली पारदर्शी जेलीफिश है। ये एशिया, कैलिफोर्निया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसकी स्पीड पानी में 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैरती है। ये पारदर्शी होती है, जिस वजह से इसे पानी में देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। बॉक्स जेलीफिश जहर पैदा करती है, जिससे सबसे पहले दिल काम करना बंद कर देता है, फिर धड़कन रुक जाती है और बाद में मौत हो जाती है। शोध के मुताबिक हर साल 100 लोग इसके जहर से मर जाते हैं। पफर फिश। ये फिश दिखने में जितनी सुंदर और मासूम लगती है, उतनी ही जहरीली भी होती है। जापान, चीन, फिलीपींस और मैक्सिको में पाई जाती है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे ब्लो फिश, ब्लोबीज, बल्ब फिश, ग्लोब फिश, स्वेल फिश, टॉड फिश, हनी टॉड्स, शुगर टॉड्स और सी स्कैप भी कहते हैं। इसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये लगभग 10 साल तक जिंदा रह सकती है। इस मछली में साइनाइड से भी खतरनाक जहर होता है, जो किसी भी जीव को पैरालाइज बना देता है। इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल मछली अमेजन और ओरिनोको नदी में पाई जाती है। इसकी लंबाई 2 मीटर और वजन 20 किलोग्राम तक होता है। ये मछली भी इलेक्ट्रिक रे की तरह बिजली झटके देने के लिए मानी जाती है। इसके शरीर में 6000 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की कोशिकाएं होती हैं। ये अपने बचाव या शिकार को पकड़ने के लिए 700 से 900 वोल्ट तक बिजली के झटके देती है, जिससे कि इंसान की मौत भी हो सकती है। लायन फिश। लायन फिश इंडो पैसिफिक और अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इसके लाल, सफ़ेद, भूरे और काले रंग के बैड की वजह से इसे जेब्रा फिश भी कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे फायर फिश, टर्की फिश, बटरफ्लाई कोड भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 5 से 45 सेंटीमीटर और वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। इसके डंक खतरनाक और जहरीले होते हैं, जो जानवर और इंसान दोनों के लिए खतरनाक होता है। इसके काटने पर सांस लेने में तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे धरती पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक जीवों में से एक है, जो दुनिया में टेम्परेट सीज में रहती है। दुनिया में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये मछली अपनी मांसपेशियों के जरिए ही बिजली को बनाती है और स्टोर करती है। ये एक बार में 8 से 220 वोल्ट तक की बिजली के झटके को प्रोड्यूस कर सकती है। इलेक्ट्रिक रे मछली शिकार पकड़ने या शिकारियों से बचने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके झटके ये निर्भर करते हैं कि शिकार के लिए हैं या बचाव के लिए। ये मछली समुद्र में मिट्टी या रेत के नीचे रहती है। इसका गहरा भूरा रंग समुद्र में शिकारियों से बचने में मदद करता है। स्टोन फिश। स्टोन फिश भी दुनिया के खतरनाक मछलियों में आती है। इसके पास सुई के समान नुकीले डंक होते हैं, जो खतरनाक और दर्दनाक होते हैं, जिससे जानलेवा जहर निकलता है। ये दिखने में बिल्कुल पत्थर जैसी लगती है। स्टोन फिश उतना ही जहर छोड़ती है जितना वजन उसके ऊपर पड़ता है। यदि आपका कोई भी अंग इससे टच हो गया तो वो भाग कटवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जहर से लकवा मार जाता है। समय से इलाज ना होने पर 24 से 30 घंटों तक मौत भी हो सकती है। वेल्स कैट फिश ताजे पानी की बड़ी मछली है, जो कजाकिस्तान, चीन, ग्रीस, तुर्की, सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में पाई जाती है। वेल्स कैटफिश महाद्वीप यूरोप की गर्म झीलों और नदियों में रहती है। इसकी लंबाई 5 मीटर यानी 15 फीट और वजन लगभग 150 किलो तक होता है। इसके रेजर जैसे धार वाले नुकीले दांत होते हैं। वेल्स कैटफिश इंसानों पर भी हमला करती है।